दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों आज हम ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे शुक्र देव के ऊपर कि कुंडली में शुक्र देव जब खराब असर देते हैं तो उसके हमें क्या नुकसान होते हैं और ऐसे कौन से कॉमन उपाय हैं जिनको हम करके शुक्र के फलों को अच्छा कर सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें। आगामी दिनों में हम लाइव जो है वो आपके साथ जुड़ पाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं शुक्र देव के ऊपर। दोस्तों शुक्र की जब हम बात करते हैं तो कुंडली में शुक्र देव को खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 का अधिकार मिला हुआ है। कहने का मतलब खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 जो है ये शुक्र के अधिपति बाप बोले गए हैं। बेसिकली खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 ये शुक्र की राशियां भी हैं। छठे भाव में शुक्र देव नीच के होते हैं और द्वादश भाव में शुक्र देव उच्च के होते हैं। कहने का मतलब कन्या में नीच के हैं और मीन में उच्च के हैं। शुक्र को जब कभी भी आपने दोस्तों देखना होता है, शुक्र को देखने के लिए उसके 2 अंश जो हैं राहु और केतु, इन दोनों के मिलन के बाद ही शुक्र का निर्माण होता है। तो जब कभी भी आपकी कुंडली में राहु केतु खराब घरों में होंगे, खराब असर दे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो होगा वो शुक्र के ऊपर भी आएगा। तो इसीलिए आपको शुक्र के फलों को देखने के लिए राहु केतु के फलों को देखना भी जरूरी होता है। शुक्र देव दोस्तों बेसिकली सूर्य, चंद्रमा और राहु, ये तीनों ग्रह जो हैं शुक्र को कहीं ना कहीं पीड़ित करते हैं। जब ये तीनों ग्रह कुंडली में शुक्र के घरों में खाना नंबर 2, खाना नंबर 7 इन घरों में आके बैठ जाते हैं दोस्तों, तो शुक्र का ऋण लग जाता है। कहने का मतलब स्त्री का ऋण जो है कुंडली में बन जाता है। कुंडली में जब कभी आपके शुक्र देव खराब फल दे रहे होंगे तो उसके निर्माण हतित आपके जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेंगी वो होती हैं कि स्किन की ट्रबल्स। जब कभी भी इंसान की स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो स्किन में रैशेस पड़ने शुरू हो जाए तो इसका मतलब कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र देव खराब असर दे रहे हैं। चंद्र शुक्र की युति में भी दोस्तों माता पक्ष की तरफ से आँखों की समस्याएँ जो हैं वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। सूर्य शुक्र की युति में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज जो है वो बढ़ जाते हैं और आपका जो करैक्टर है बेसिकली सूर्य शुक्र की युति में खराब असर देता है जब वो युति आपके बुरे भावों में बैठी हो। शुक्र राहु की युति में तो बेसिकली दोस्तों इंसान को अपना करैक्टर जो है वो हमेशा अच्छा रखना जरूरी होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो भोग है और राहु जो है वो विचार है। तो जब कभी इन दोनों की युति बनती है तो इंसान के अंदर जो कामुकता है या फिर उनका जो करैक्टर है वो कहीं ना कहीं खराब असर देने वाला या बदनामी देने वाला जो है वो बन जाता है। तो इस युति को समझ के ही उनके उपाय जो है वो करने चाहिए। दोस्तों आप अपने शरीर की अगर सफाई नहीं रखते, डेली आप नहाते नहीं हैं, आपके कपड़े मैले कुचैले हैं या आपके फटे हुए कपड़े हैं या इन तरीकों में आपकी बेडशीट जो है बेड की वो भी खराब है या फिर आप बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो शुक्र की होती है। शुक्र आपका इंजॉयमेंट भी है, आपको रहन सहन जो सिखाता है वो शुक्र ही है। जितनी भी लग्जरी आप भोगते हैं अपने जीवन में वो सब शुक्र होती है। दोस्तों आपके पास जो पैसा है वो लिक्विड कैश है, वो चंद्रमा है। जब भी आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं दोस्तों, अपने घर में कोई भी सामान परचेज करते हैं, तो उसके लिए आपको पहले चंद्रमा का नाश करना होता है। मीन्स आपने अपना पैसा जो है वो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए दिया, लेकिन जब आपने उस चीज़ से उस चीज़ का भोग लिया तो वो शुक्र है। तो कहने का मतलब जब ये होता है दोस्तों कि चंद्र शुक्र की युति में नुकसान चंद्र का ही होता है, तो इसीलिए इंसान जब इस युति का कुंडली में कहीं भी बनी हो तो माता पक्ष से हमेशा बना के रखें और अपने पार्टनर का अधिकार जो है उनको वो इज्जत जो है वो जरूर देनी चाहिए। दोस्तों कुंडली में दोस्तों शुक्र के लिए अगर आपकी संसारिक सुख जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, इंजॉयमेंट आपकी ख़त्म हो चुकी है, रिश्तों में आपके कहीं ना कहीं तनाव बन चुका है, तो आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग या कॉमन उपाय जो शुक्र के बनते हैं वो करने चाहिए। दोस्तों कॉमन उपायों में दोस्तों आपको
काली गाय की जो सेवा है वो अति उत्तम बोली गई है शुक्र के लिए। काली गाय को आप हरा चारा या चरी या ज्वार जो है वो आप जरूर खिलाएं, अपने पार्टनर के वेट के जितना भी उनका वेट होगा उनका दसवें हिस्सा जो है वो आप गौशाला में डोनेट करें। दूसरा दोस्तों, अपने शरीर की प्रॉपर सफाई रखें और डेली बेसिस पे जो है आपको अपना जो करैक्टर भी जो है वो पकड़ के चलना होता है, अपने करैक्टर को कभी लूज ना करें। तीसरा दोस्तों, दो मोती ले लें, दो सूचा मोती ले लें, उनमें से एक मोती जो होगा वो आप जल प्रवाह कर दें और दूसरा मोती जो होगा वो अपनी पॉकेट में रख लें। चौथा दोस्तों, आपके जो पार्टनर है उनको कभी भी नंगे पैर अपने घर में वो नहीं चलने चाहिए। नंगे पैर जो है घर में उनको चलना जो है वो वर्जित होता है दोस्तों, इससे भी शुक्र के नेगेटिव असर जो है वो बढ़ जाते हैं। चौथा दोस्तों, अपनी घर की जो पहली रोटी है, जो आपके जो भोजन की पहली रोटी होती है, उस रोटी को आप कऊ ग्रास जिसे हम बोल देते हैं उनको जरूर डालना चाहिए, कुत्तों को, कौओं को और गाय को। ये आप डेली बेसिस पे 43 डेज तक रेगुलर करें तो इससे भी शुक्र के फल जो है वो अच्छे मिल जाते हैं। ईतर का प्रयोग करें, सुगंधित वातावरण जो है घर के अंदर रखें, तो इन सब चीज़ों से आपको शुक्र के फल जो है वो अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। बाकी जो कुंडली के उपाय बनते हैं दोस्तों वो कुंडली के अकॉर्डिंग ही करने चाहिए। ये बेसिक उपाय थे जिससे आपको कुंडली में बैठे हुए शुक्र के फलों को अच्छा करने में मदद मिलती है दोस्तों। तो ये शुक्र के फल थे कुंडली में भी और आपके जीवन में भी। बाकी प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद आप अपनी कुंडली को दिखा के ही उपाय करें तो उससे आपको अति उत्तम जो है वो फल मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लें। तो आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जुड़ पाएंगे, ऐसी ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स आप लोगों के लिए हम शेयर करते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।